कानपुर में महापौर प्रमिला पांडे ने बुधवार शाम नगर आयुक्त सुधीर कुमार के साथ स्वरूप नगर स्थित विजय विला के नजदीक खत्री मार्ग पर मॉडर्न चिल्ड्रन पार्क का शुभारंभ किया। इस पार्क में बच्चों को खेलने के सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। पार्क में बच्चों के लिए जहां झूले लगाए गए हैं, वहीं पुरुषों और महिलाओं के टहलने के लिए अलग ट्रैक की व्यवस्था की गई। इस पार्क का निर्माण 10 लाख रुपए की लागत से JCI इंडस्ट्रियल कानपुर की ओर से किया गया है। बच्चों के लिए समर्पित इस पार्क का नाम उड़ान चिल्ड्रेन पार्क रखा गया है। इस पार्क में लाइटिंग की भी व्यवस्था की गई है। पार्क शुभारंभ के दौरान महापौर उर्मिला पांडे ने बताया कि नगर निगम का यह पार्क बेहद ख़राब अवस्था में था, जिसमें आसपास के लोग कूड़ा फेंक देते थे। महापौर ने कहा कि ऐसे में उन्होंने इस पार्क में बच्चों के खेलने के लिए खास व्यवस्था करने के लिए इस अत्याधुनिक पार्क का निर्माण कराया है, जहां पर अब कूड़ा फेंकने के बजाय बच्चों की खिलखिलाहट गूंजेगी। नमस्कार सभी को, मेरा नाम कर्णिका बाई है। मैं एक म्यूरल आर्टिस्ट और ट्रांस एक्टिविस्ट जयपुर से हूँ। मैं यहाँ पर कानपुर में आज हूँ और वॉल पेंटिंग के माध्यम से जो पार्क की स्वच्छता है और साफ खूबसूरती उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हूँ। आज JCI इंडस्ट्रियल क्लब की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम का माध्यम यही रखा गया कि जो पार्क गंदे पड़े हुए शहर में अलग अलग जगह, उसी तरह एक पार्क को अडॉप्ट करके उसको खूबसूरत बना के, ताकि जिस तरह कॉलोनियाँ गंदी पड़ी हो वो साफ़ सुथरा हो सके, इसके माध्यम से वो संदेश देना चाहती है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ JCI क्लब को, जिन्होंने मुझे यहाँ इनविटेशन दिया और मुझे यहाँ आके मौका दिया कि हमारी समाज को मौका दिया। मैं ट्रांसजेंडर हूँ और यहाँ आके मौका देके मुझे काम दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम लोग क्या प्रोग्राम हुआ संस्था के बारे में, जो हम लोग जूनियर चैम्बर ऑफ इंटरनेशनल के यहाँ पर कानपुर संस्करण की तरफ से है, और इसमें जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल में 124 कंट्रीज में करीब 1.5 लाख से ज़्यादा मेंबर्स हैं। ये हम लोग को मेयर मैडम ने ये पार्क हम लोग को परमिशन दी है कि हम लोग यहाँ पे इसको डेवलप कर सकें। जो गरीब बच्चे हैं, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, जिनको खेलने का मौका नहीं मिलता है, उन गरीब बच्चों को जो है उन गरीब बच्चों को हम लोग यहाँ पर फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर झूला लगवाए हैं। ये जो पेंटिंग आप पीछे देख रहे हैं, ये ट्रांसजेंडर सोसाइटी का एक कर्णिका बाई जी हैं, जिनको हमने जयपुर से बुलाया है। ये ट्रांसजेंडर सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है इंटरनेशनली। ये इन्होंने काफ़ी कुछ अवेयरनेस फैलाई है लंदन में, इंटरनेशनली काफ़ी कुछ अवेयरनेस फैलाई है। उनको भी प्रमोट करने के लिए हमने ये उनसे ये पेंटिंग बनवाई है और इनको दिखाते हुए, जिससे कि हम इनको मुख्य धारा में ला सकें। क्या कदम है, क्या प्रयास किया? ये देखो बहुत अच्छा पार्क है, ये यहाँ के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, शहर के लिए अच्छा है। अभी थोड़ा पेड़ रोड तो हम अपने तरफ से लगवा देंगे, ठीक है।